नमस्कार, मैं प्रिया। आज 28 नवंबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन रहा सर्वश्रेष्ठ। धान बेचने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। मंदिरों मठों की संपत्तियों की अब ये लेंगे नियमित जानकारी। मां और शिशु की जान जाने का अब बिहार से अपलोड होगा आंकड़ा। न्यूजीलैंड की टीम पहुंची पवेलियन, दिन के अंत तक भारत का ये रहा स्कोर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन रहा सर्वश्रेष्ठ। बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन बीते दिन हुआ। इस इंटरनेशनल दिल्ली ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन ने भी हिस्सा लिया था और गर्व की बात यह रही कि समापन के साथ ही बिहार पवेलियन ने सर्वश्रेष्ठ होने का सम्मान पाया है, जिसके तहत ही केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार पवेलियन को गोल्ड मेडल अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस पवेलियन को स्टेट पार्टनरशिप का भी गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि उनकी कोशिश रही है कि यहां पर दर्शकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी प्रयास किए गए थे। विभाग के बिहार सर्कल में निकली बंपर भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार पोस्टल सर्कल में जल्द ही बंपर बहाली होने जा रही है, क्योंकि हाल ही में डाक विभाग के बिहार सर्कल में एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, शॉटिंग असिस्टेंट आदि विभिन्न पदों के लिए बहाली निकाली गई है। इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के माध्यम से करीब 60 पद भरे जाएंगे। इसके लिए पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर विस्तार से जानकारी दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन भर सकते हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कामेश्वर सिंह की। महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह दरभंगा राज के राजा महाराज सर रामेश्वर सिंह गौतम के पुत्र थे। उनका जन्म 28 नवंबर 1907 को दरभंगा में मैथिली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो 3 जुलाई 1929 को अपने पिता की जान जाने के बाद दरभंगा राज की अपनी संपत्ति के सिंहासन के लिए सफल हुए। उन्होंने 1929 से 1952 तक मिथिला क्षेत्र में अपने परिवार की संपत्ति पर अपना खिताब अपने नाम किया। जब भारत की स्वतंत्रता के बाद इस तरह के खिताब समाप्त कर दिए गए थे। उनकी एक बहन लक्ष्मी दाई जी थी। वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संरक्षक थे, जिसकी स्थापना 1935 में दरभंगा में हुई थी। उन्होंने कोलकाता में दरभंगा कप टूर्नामेंट शुरू किया था, जिसमें लोहारे, पेशावर, मद्रास, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने भाग लिया था। उन्होंने 4 स्टेडियम भी बनाए हैं। बेचने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार के सभी धान किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार में निबंधित किसानों से अब 15 फरवरी तक धान की खरीद होने वाली है, क्योंकि इन दिनों बिहार में धान की कटाई कम हुई है। यही कारण है कि सरकार ने इसकी खरीद की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके बारे में सभी 38 जिलों के 8 क्रय केंद्रों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। ज्ञात हो, इससे पहले धान खरीद की आखिरी तारीख 31 जनवरी तक निर्धारित थी। इसके अलावा सरकार के निर्देश पर 100 नए राइस मिलों में धान सुखाने के ड्रायर भी लगाए गए हैं। इससे धान बेचने में नमी अब बाधा नहीं बनेगी, जबकि पहले से 77 राइस मिलों में ड्रायर लगे हैं। इस प्रकार 250 से ज्यादा ड्रायर लगे राइस मिल काम करने लगी हैं। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक की होगी पढ़ाई। अब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को एमटेक की डिग्री लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अब बिहार के ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को एमटेक की सुविधा मिलने वाली है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पीएचडी और रिसर्च में पिछड़ रहे बिहार के तकनीकी शिक्षा से जुड़े मेधावी युवाओं के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत आने वाले समय में सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई आरंभ कराने की तैयारी है। इसको लेकर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और इस पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अनुमति ली जाएगी। लोअर डिवीजन क्लर्क के इतने पद पर होगी सीधी बहाली। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। क्लर्क स्तर की बहाली को लेकर बिहार सरकार ने हाल ही में नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके तहत सरकार चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पद पर बहाल लोगों को तरक्की का अवसर देने जा रही है। सरकार की यह योजना है कि लोअर डिवीजन क्लर्क की बहाली में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये पहल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से हुई है। बात की बात यह है कि एलडीसी की बहाली के नियमों में बदलाव के लिए विभाग के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। ये तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक एलडीसी के 100 में से 85 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। बिहार की
हवा में बदलाव के आसार। बिहार के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में अलग अलग हवा के बहने के कारण तापमान में बदलाव देखने को अब मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे के दौरान हवा में बदलाव के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर बिहार से उत्तर पूर्व हवा और दक्षिण बिहार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने के आसार हैं। इसके प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के कुछ स्थानों पर थोड़ा बहुत कोहरा रहेगा। वहीं उत्तर बिहार में रात का तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच और दक्षिण बिहार के न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में ठंड बढ़ेगी। हालांकि इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी नहीं बन रहा है। बिहार के सचिवालय कर्मी करेंगे आंदोलन की शुरुआत। बिहार सचिवालय सेवा संघ के सदस्यों ने केंद्रीय सचिवालय की तरह पदनाम करने की मांग पर आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है, जो कि ये सभी सदस्य चरणवार तरीके से करने वाले हैं, जिसके तहत पहले चरण में 29 नवंबर से ये काला बिल्ला लगाकर अपनी मांग पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। संघ की माने तो सचिवालय सेवा के लोग जरूरत के अनुसार अंग्रेजी में भी काम करते हैं। उन सहायकों की संख्या अधिक है जिन्होंने केंद्रीय सचिवालय में भी काम किया है। संघ ने कहा है कि अंग्रेजी के बहाने पदनाम में परिवर्तन से मुकरना राजभाषा का अपमान है। उम्र की मुखिया बनी आयशा खातून। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है और ऐसे में कई तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है। बता दें कि पंचायत चुनाव में इस बार नए उम्मीदवारों को ज्यादा मौका मिला है, साथ ही युवाओं को मतदाताओं ने तरजीह दी है। प्रदेश में एक बार फिर से सबसे कम उम्र की मुखिया का चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार सामने आई है। बता दें कि सबौर प्रखंड के फतेहपुर पंचायत की 21 साल की आयशा खातून ने जीत दर्ज की है। नवनिर्वाचित मुखिया आयशा की उम्र महज 21 साल 2 महीना है। बता दें कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भागलपुर के फतेहपुर पंचायत में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं बधाई देने वाले भी पहुंच रहे हैं। नवनिर्वाचित मुखिया ने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत के विकास के लिए वो काम करेंगी। बिहार के नवलखा महल राजनगर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खंडरों में स्थित नवलखा पैलेस बिहार के मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। इस महल का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था और कहा जाता है कि 1934 में भूकंप के दौरान व्यापक विनाश हुआ था। विनाश के बाद इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, इस प्रकार ये महल अब खंडर बना हुआ है। यह एक शाही महल है और भले ही यह इतना क्षतिग्रस्त हो गया हो, फिर भी कोई भी इसकी स्थापत्य प्रतिभा पर आश्चर्य कर सकता है। इस महल परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर शामिल थे, जो कि आज भी पर्यटकों के देखने योग्य मुख्य आकर्षण है। मंदिर मठों की संपत्ति की अब ये लेंगे नियमित जानकारी। बिहार के सभी मंदिरों और मठों की परिसंपत्तियों की जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय सरकार के विधि विभाग के द्वारा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा लिया गया है। इसको लेकर सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड के स्तर पर जिलावार बैठक भी शुरू कर दी गई है। कई जिलों की बैठक हुई लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया है। हालांकि राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश जैन ने सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये को लेकर सवाल जरूर उठाया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 17 जिला में विधि विभाग के मंत्री, अधिकारी, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और जिला के डीएम, एसपी और अन्य कर्मचारी के साथ बैठक हो चुकी है लेकिन उनसे सहयोग नहीं मिल रहा है। 17 जिलों में से अभी तक सिर्फ एक जिला आरा के मंदिर मठ की संपत्ति का ब्यौरा ही मिल पाया है। शराब के धंधे में लगे अपराधियों की रद्द होगी जमानत। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है। शराब तस्करों पर नकेल कसने के साथ साथ इसके पूरे नेटवर्क और डिलीवरी सिस्टम को अस्थायी रूप से ध्वस्त करने पर योजना तैयार की जा रही है। इसको लेकर मुख्यालय ने एक सूची भी तैयार कर ली है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार ज्यादातर मामलों में पुलिस को मिल रही सूचना के मुताबिक कुख्यात अपराधी भी अब शराब की तस्करी में जुट गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो शराब के मामले में जेल की सजा काट चुके हैं और जेल जाने के बाद बेल पर छूटकर फिर से इसी धंधे में लग गए हैं। खास तौर पर उन पर नजर रखने का निर्देश सभी थानों को दिया गया है। सोमवार को पेश होगा कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक। केंद्रीय कृषि कानून नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाले विधेयक शीतकालीन सत्र 2021 के पहले संसद में पेश करने का ऐलान किया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य बजट खेती, एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और इससे जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। समिति के गठन के साथ ही एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी होगी। किसान संगठन ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद मुझे लगता है कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। पटना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर तेज हुआ अभियान। बिहार के कई शहरों में इन दिनों प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक
पर पहुंच चुका है, जिसके तहत ही अब राजधानी पटना को प्रदूषण से बाहर निकालने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर परिवहन विभाग का विशेष जांच अभियान बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि हर बार ठंड आते ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से लोगों के लिए सांस संबंधी कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। लिहाजा परिवहन विभाग अभी से ही अलर्ट मोड में काम कर रहा है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने पटना में जगह जगह प्रदूषण जांच केंद्र का निर्माण करने का फैसला सुनाया है, जहां मोबाइल वैन की मदद से वाहनों का जांच किया जा रहा है। अब तक कई लाख रुपए जुर्माने के रूप में भी वसूले जा चुके हैं। बिहार यूजी ईएसी 2021 राउंड वन सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट की हुई घोषणा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने बिहार यूजी ईएसी 2021 राउंड वन सीट आवंटन परिणाम bceceboard.bihar.gov.in पर बीते दिन जारी कर दिया है, जिसके तहत अब जिन भी आवेदकों ने यह परीक्षा दी है वो अपने बिहार अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसिलिंग 2021 सीट आवंटन परिणाम राउंड वन को रोल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदक केवल 29 नवंबर तक बिहार यूजीईएसी 2021 सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ज्ञात हो कि बिहार यूजीईएसी सीट आवंटन 2021 में आवंटित सीट वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद आवेदकों को प्रवेश दी जाएगी। वोटर आईडी कार्ड में घर बैठे ऐसे अपडेट करें नया एड्रेस। वोटर आईडी कार्ड केवल वोटिंग के लिए ही मान्य नहीं है, कई सरकारी योजनाएं भी हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान करने के योग्य प्रत्येक नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं और अगर किसी कारणवश आप किसी और जगह शिफ्ट होने जा रहे हैं तो आपने वोटर आईडी कार्ड पर अपना पता बदलना आप ना भूलें। यह आसान है और ऐसा करने के लिए आपको दो तरीके के विकल्प मिलेंगे, पहला है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। यदि आप अपना पता ऑफलाइन बदलना चाहते हैं तो अपने वर्तमान पते के प्रमाण के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को आवेदन पत्र जमा करें। वहीं ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर लॉगिन करना होगा और मांगी गई जानकारियों को भरकर और स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना पता आसानी से बदलवा सकते हैं। आज 21 साल की हुई लोजपा लोज जनशक्ति पार्टी आज 21 साल की हो गई है। आज से ठीक 21 साल पहले इस पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान ने की थी। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज दो हिस्सों में बटी लोजपा जोर शोर से स्थापना दिवस को मनाने वाली है। रामविलास पासवान के गुजर जाने और विधानसभा चुनाव में पार्टी के हाशिए पर जाने के बाद दो हिस्सों में बटी पार्टी ने अपनी तरफ से अलग अलग आयोजन की तैयारी की है, जिसके तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इसका आयोजन 28 नवम्बर यानी कि आज पटना स्थित बापू सभागार में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा पार्टी कार्यालय सहित जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया गया है। शिशु की जान जाने का अब बिहार से अपलोड होगा आंकड़ा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन राज्य में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नई योजना बनाई है, जिसके तहत मेटरनल पैरेंटल चाइल्ड डेथ सर्विलांस एंड रिस्पांस वेबसाइट पर अब जच्चा और बच्चा दोनों की जान किन कारणों से गई है इस बात की जानकारी देनी होगी और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, ताकि मातृ शिशु के जान जाने के आंकड़े में कमी लाई जा सके। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 29 और 30 अक्टूबर को ही दिल्ली में एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इस वेबसाइट पर ही बिहार में जल्द ही इससे संबंधित आंकड़ों को अपलोड किया जाएगा। दिल्ली के लिए हुई रवाना। शुक्रवार के शाम ही लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने की जानकारी निकल करके सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं जैसे उनके भर्ती होने की जानकारी बिहार पहुंची, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ज्यादा खराब है। उनकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें आईसीयू में रखा है, इसलिए उन्हें देखने के लिए वो दिल्ली जा रही है। नीतीश कुमार ही फेल हैं तब रिपोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन दिनों बिहार में नीति आयोग की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर तेज प्रताप यादव ने भी सरकार पर तंज कसा है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट और बिहार में जारी शराबबंदी को लेकर कहा कि शराब बंद कहां है, शराब तो बिखी रहा है, शराबबंदी में नीतीश कुमार फेल है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि जब नीतीश कुमार ही फेल है तब रिपोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट और शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में बिहार सरकार का घेराव किया था। सीएम नीतीश
की मदद के बिना जलने नहीं वाली है लालटेन। हाल ही में राजद कार्यालय में लालू प्रसाद यादव ने 6 टन के लालटेन का उद्घाटन किया है, जो कि 24 घंटे जलते रहने वाला है। हालांकि बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस लालटेन को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालटेन को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद की बनावटी लालटेन को जलाने के लिए भी नीतीश जी की ही बिजली जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन की चकाचौंध बिजली में जंगलराज के लालटेन की धीमी लौ भी बुझ चुकी है। नीतीश कुमार जी की बिजली का प्लग लगाए बिना अब बनावटी लालटेन का जलना भी नामुमकिन है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कैप्टन इंद्राणी सिंह 1996 में एयरबेस A-300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी। प्रधानमंत्री आईके गुजराल ने 1997 में अपने पद से आज के दिन इस्तीफा दिया था। एशिया कप हॉकी का खिताब दक्षिण कोरिया ने 1999 में पाकिस्तान को हराकर आज के दिन जीता था। भारत ने कांस्य पदक मलेशिया को हराकर जीता था। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक प्रमोद करण सेठी का जन्म 1927 में आज के दिन हुआ था। भारत के महान विचारक, समाजसेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का निधन 1890 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी का जन्म 1945 में आज के दिन हुआ था। हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक देव नारायण द्विवेदी का निधन 1989 में आज के दिन हुआ था। कोरोना के नए वेरिएंट पर पीएम की शीर्ष अधिकारियों संग हुई बैठक। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसे लोग राहत की सांस ले रहे थे कि अब कोरोना के एक नए वेरिएंट की दस्तक सुनाई देने लगी है, जिसे भारत में भी चिंताजनक बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह देश में कोरोना वायरस पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करते देखे गए। इस दौरान पीएम ने कोरोना के ताजा हालात और टीकाकरण जैसे मुद्दों की समीक्षा की। पीएमओ के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पवेलियन दिन के अंत तक भारत का रहा ये स्कोर। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शनिवार को खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन आखिरी सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ी। इस दौरान अक्षर पटेल ने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पारी को 296 पर रोकने में मदद की। टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड की टीम ने 118 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 249 रन बनाए थे। मैदान में उतरी भारतीय टीम की तरफ से ओपनर मयंक अग्रवाल ने 4 रन बनाए और शुभमन गिल ने 1 रन बनाए। दूसरी पारी की शुरुआत हुई और न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइनल जैमिसन ने एक बार फिर से गिल का विकेट लिया, जिसके बाद दिन का अंत होने तक मयंक और पुजारा 9 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए थे और भारत का टोटल स्कोर 14 रन पहुंच गया, जिसके बाद आज भारत मजबूती के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरेगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,140 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,400 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है निशांत कुमार, नुन्नू कुमार, अरविंद कुमार, पंकज कुमार दास, दिव्यांशु कुमारी, दीपक झा, सीमा कुमारी, दीपक साहू, दीनानाथ सिंह, नीतीश कुमार, जय कुमारी, राजेश सोंथिया, नीलू कुमारी, कमलेश कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, एसके सिंह स्टडी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।